आईसीआईडीसो के बारे में इधर सीक्रेट किसी को नहीं पता होंगे। मार साले का खोपड़ी। भाई क्या तुमको पता है कि सीआईडीसो का पहला शूट कब हुआ था? और क्या तुमको पता है कि इस शो को शूट करने के लिए काफी सारे बॉलीवुड से सेलिब्रिटी, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ चुके हैं? अच्छा, हमको सिखा रही है। और क्या तुमको पता है कि इस शो को कौन कौन से देशों में टेलीकास्ट किया जाता है? कौन बताएगा भाई? ऑफ कोर्स मैं, क्योंकि मैं अभिजीत और दया का फैन हूँ ना। क्यों हिला डाला ना भाई? सीआईडी शो का पहला शूट 1992 में हो चुका था, जबकि इसे टेलीकास्ट 1998 में शुरू किया गया था। और भाई क्या तुमको पता है कि इस शो पे काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ चुके हैं अपने फिल्म को प्रमोशन करने के लिए? सलमान खान, अजय देवगन, करीना कपूर, आमिर खान जैसे काफी बड़े बड़े कलाकार फिल्म की प्रमोशन करने के लिए आ चुके हैं। और क्या तुमको पता है कि साल 2004 में सीआईडी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी नवाजा गया है? सीआईडी शो का शूटिंग अब भारत में ही नहीं बल्कि कई सारे देशों में भी शूट किया गया है, जैसे कि फ्रांस, स्विट्जरलैंड, लंदन जैसे काफी सारे बड़े देशों में भी शूट किया गया है। तो पता है कि सीआईडी को काफी सारे दूसरे शो के साथ भी शूट किया गया है, जैसे कि अदालत, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, काफी बड़े बड़े शो भी शूट हो चुके हैं। और क्या तुमको पता है कि सीआईडी सिर्फ भारत में ही नहीं पाकिस्तान में भी टेलीकास्ट होता है? अच्छा, तुमको पता है कि इसे तेलुगु, तमिल और बंगाली में भी डब किया जाता है? पता है इस शो के जो एसीपी प्रद्युम्न है, यानी शिवाजी साटम, ये बैंक ऑफ इंडिया के पहले कैशियर भी रह चुके हैं। उन्होंने कैशियर के तौर पर लगभग 23 साल तक काम किया, उसके बाद अपने एक्टिंग करियर में पांव धरा। तो पता है कि जो जीप में सीआईडी की टीम घूमती है वो जीप अभी भी काफी फेमस है। तो पता है कि सीआईडी में सिर्फ मारपीट नहीं, गाना, एक एपिसोड में गाना भी शूट किया गया था, जिसे गाया था अभिजीत, दया और एसीपी प्रद्युम्न ने। ये अपने लाइफ में, अपने रियल लाइफ में अच्छे सिंगर है। तुमको पता है कि शो के काफी फेमस कैरेक्टर जैसे कि फ्रेडिक्स, ये काफी सारे शो एपिसोड भी लिख चुके हैं। और क्या तुमको पता है कि सीआईडी टीम के सीनियर इंस्पेक्टर दया उर्फ दयानंद सेठी, उनके इसी नामों की वजह से उन्हें दया कहा। क्या तुमको पता है कि शो के सबसे दिलचस्प कैरेक्टर दया और अभिजीत की दोस्ती ऑन स्क्रीन ही नहीं, ऑफ स्क्रीन भी काफी फेमस है? वो दोनों काफी अच्छे अपने रियल लाइफ में भी दोस्त है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और धमाकेदार इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।